हेलो चिल्ड्रन गुड मॉर्निंग टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू हिंदी सब्जेक्ट चैप्टर नंबर इलेवन सो लेट्स कंटिन्यू एक्सरसाइज नंबर सेवन सही वाक्य चुनकर रिक्त विधानों को पूर्ण कीजिए सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए बी वन नंबर है काफिले पर डाकू टूट पड़े और काफिले पर डाकू टूट पड़े और अ एक एक को पकड़ने लगे एक एक को पकड़ने लगे वह बंदूक चलाने लगे बंदूक चलाने लगे क लूटमार करने लगे लूटमार करने लगे तो इसमें कौन आएगा कि काफिले पर डाकू टूट पड़े और लूटमार करने लगे काफिले पर डाकू टूट पड़े और लुटमार करने लगे अभी टू नंबर तूने इन असरफियों का पता तूने इन असरफियों का पता हमने क्यों बता दिया क्वेश्चन में किया है हमें क्यों नहीं बताया हमें क्यों नहीं बताया तो पहले क्यों नहीं बताया पहले क्यों नहीं बताया इसमें आएगा तूने इन असरफियों का पता हमें क्यों बता दिया थ्री नंबर से यह छोटा बच्चा यह छोटा बच्चा इतना बड़ा झूठ बोला इतना बड़ा झूठ बोला व बड़ा छुपा रुस्तम निकला बड़ा छुपा रुस्तम निकला क ऐसे संकट में भी झूठ नहीं बोला ऐसे संकट में भी झूठ नहीं बोला यह छोटा बच्चा ऐसे संकट में भी झूठ नहीं बोला इसका विधान है पहले में आपने देखा काफिले पर डाकू टूट पड़े और लूटमार करने लगे नंबर तूने इन असरफियों का पता हमें क्यों बता दिया कि यह छोटा बच्चा ऐसे संकट में भी झूठ नहीं बोला ऐसा छोटा बच्चा ऐसे संकट में भी झूठ नहीं बोला बड़ा होकर अब्दुल बड़ा होकर अब्दुल कादिर अ महान बादशाह हुआ महान बादशाह हुआ वह महान संत हुआ महान हुआ का बहुत बड़ा व्यापारी बना बहुत बड़ा व्यापारी बना तो इसमें से तीन ऑप्शन में से अपने को के अब्दुल कादिर है वो बड़ा होकर महान संत बनता है महान संत तो बड़ा होकर अब्दुल कादिर महान संत हुआ प्रश्न नंबर एट आपको दिया है एट नंबर निम्बत लेकिन वाक्य कौन किसे कहता है क्वेश्चन मार्क लिखिए निमत लिखित नीचे दिए हुए वाक्य कौन किसे कहता है लिखिए अभी वन नंबर में बताया हुआ है तेरे पास, ऊंची, है क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है इसमें क्वेश्चन पूछा हुआ है तेरे पास बी कुछ है तो एक डाकू अब्दुल कादिर से कहते हैं एक डाकू कादिर से कहते है तेरे पास भी कुछ है वो किसने कहता है तो एक डाकू होता है वो अब्दुल कादिर से कहता है टू नंबर तेरी असरफिया कहा है क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन पूछता है यानी क्वेश्चन मार्क किया है कि तेरी अशरफिया कहा है डाकुओ के सरदार कादिर से पूछता है डाकुओ के सरदार अब्दुल कादिर से पूछता है त्री नंबर में दिया है पहले में तेरी असरफिया कहाँ है तो डाकुए के सरदार अब्दुल कादिर से पूछता है कि तेरी असरफिया कहाँ है बिक्री नंबर में दिया है झूठ बोलना पाप है झूठ बोलना पाप है।, है कौन बोलता है वो किसे कहता है कि झूठ बोलना पाप है अब्दुल कातिर डाकू के सरदार से कहता है अब्दुल कादिर डाकू के सरदार से कहता है झूठ बोलना पाप है अब्दुल कादिर डाकुओं के सरदार को कहता है और नंबर उनका लूटा हुआ सामान उन्हें वापस कर दो उनका लूटा हुआ सामान उन्हें वापस कर दो कौन किसे कहता है कि उनका लूटा हुआ सामान उन्हें वापस कर दो तो डाकुओं का सरदार अपने साथी डाकुओं से कहता है डाकुओं का सरदार अपने साथी डाकुओं से कहता है अभी पहले में आपने देखा कौन किसे कहता है वन नंबर में आपको दिया है तेरे पास भी कुछ है तो एक डाकू अब्दुल से कहता है कि तेरे पास भी कुछ है टू नंबर तेरी अशरफिया कहाँ है तेरी अशरफिया कहाँ है तो डाकू के सरदार अब्दुल कादिर से पूछता है डाकू के सरदार अब्दुल कादिर से पूछता है तीन नंबर चूट बोलना पाप है चूट बोलना पाप है अब्दुल कादिर डाकुओं के सरदार से कहता है अब्दुल कादिर डाकुओ के सरदार से कहता है के झूठ बोलना पाप है फोन नंबर उनका लूटा हुआ सामान उन्हें वापस कर दो उनका लूटा हुआ सामान उसे वापस कर दो कौन किसे कहता है तो डाकुओं का शरदार डाकुओं का सरदार अपने साथी डाकुओं से कहता है डाकुओं का सरदार अपने साथी डाकुओं से कहता है कि उनका लूटा हुआ सामान उसे वापस कर दो प्रश्न नंबर दस निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए वन नंबर लड़के की माँ ने अशरफिया अस्तर में क्यों सीख दी थी लड़के की माँ ने शद्री के अस्तर में क्यों सीधी थी आंसर है उसका कि इसमें क्वेश्चन पूछा है लड़के की माँ ने असरफिया सदरी के अस्तर में क्यों सीधी थी उसका है लड़के की मां ने अशरफिया क्षतरी के अस्तर में इसीलिए सी दी थी के अस्तर में असरफियों का पता ना हो लड़के की मां ने अशरफिया छदरी के अस्तर में इसलिए सीधी थी के अस्तर में असरफिया का पता ना हो क्योंकि किसी को मालूम नहीं पड़े इसीलिए लड़के की मानी असरफिया सदरी के अस्तर में सीली थी टू नंबर दिया हुआ इसमें लड़का झूठ क्यों नहीं बोला क्वेश्चन मार्क लड़का झूठ क्यों नहीं बोला है लड़का झूठ नहीं बोला क्योंकि उसकी माँ ने उसे हमेशा सच बोलने की सीख दी थी लड़का झूठ नहीं बोला क्योंकि उसकी मां ने उसे हमेशा सच बोलो निकी सीख दी थी ते नंबर टाकू सरदार को किसी बात का पछतावा हुआ डाकू सरदार को किस बात का पछतावा हुआ डाकुओं के सरदार को इस बात का पछतावा हुआ कि वह बड़ा होने पर भी उसके बनाए नेक रास्ते पर नहीं चलता के सरदार को इस बात का पछताव हुआ कि वह बड़ा होने पर भी इसके बनाए निक रास्ते पर नहीं चलता और नंबर डाकू ने लड़के से क्या सीखा डाकू ने लड़के से क्या सीखा डाकुओं ने फिर कभी लूटमार न करने की प्रतिज्ञा की डाकुओं ने फिर कभी लूटमार ना करने की प्रतिज्ञा की डाकुओं ने लड़के के क्या सीखा तो डाकुओं ने लड़के से कभी लूटना करने की प्रतिज्ञा की कोई सिखाओ वो लोग ने बेकार पीछे ड्रिंग करेंगे हम लड़के की माँ ने अशरफिया सदरी के अस्तर में क्यों सीधी थी लड़के की माँ ने अशरफिया सदरी के अस्तर में इसीलिए सीधी थी के अस्तर में असरफिया का पता ना हो दो नंबर लड़का झूठ क्यों नहीं बोला लड़का झूठ क्यों नहीं बोला तो लड़का झूठ नहीं बोला क्योंकि उसकी मां ने उसे हमेशा सच बोलने की सीख दी थी लड़का झूठ नहीं बोला क्योंकि उसकी माँ ने उसे हमेशा सच बोलने की सीख दी थी त्री नंबर डाकू सरदार को किस बात का पछतावा हुआ डाकू सरदार को किस बात का पछतावा हुआ डाकू के सरदार को इस बात का पछतावा हुआ कि वह बड़ा होने पर भी इसके बनाए नेक रास्ते पर नहीं चलता डाकुओं के को इस बात का पछतावा हुआ कि वह बड़ा होने पर भी उसके बताए नेक रास्ते पर नहीं चलता और नंबर डाकुओं ने लड़के से क्या सीखा डाकुए ने फिर कभी लूट मार न करने की प्रतिज्ञा ली दो तो लोग ने सीखा डाकुओं ने फिर कभी लूट मार न करने की मत न करने का लड़के से सीखा समझ गए से आपको क्वेश्चन आंसर पढ़ के उसको याद करना है ओके okay, अंडरस्टूड